बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं पूरी दुनिया में खराब और बुरा देखने निकला, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। और जो मैंने खुद के भीतर खोजने की कोशिश की, तो मुझे मुझसे बुरा कोई भी नहीं मिला। दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर एक बार जरूर देख लेना। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर महरम नहीं होता, मगर नमक जरूर होता है। कुछ अलग करना चाहते हो तो जरा भीड़ से हट कर चले, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों ही इंसान है। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। कभी कभी मन की तलाशी भी लेते रहा करो, क्या पता बुरे विचार कहीं छिप कर बैठे हो। जीवन में खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, औरों से नहीं। कभी किसी की भी निंदा मत कीजिएगा, क्योंकि निंदा एक ऐसा पत्थर होता है जो ऊपर उछलकर वापस नीचे ही आता है। सकारात्मक सोच वालों को कोई जहर नहीं मार सकता और नकारात्मक सोच वालों को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। जिम्मेदारियां भी खुद इम्तिहान लेती है, जो जितना निभाता है उसी को उतना परेशान करती है। अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मेहनत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो परिस्थितियां कल खुद लिखेगी। बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। आस का दामन मत छोड़ो, आखिरी सांस तक साथ निभाएगी। जब कोई ना होगा तेरे साथ, खुद में बची आस रास्ता दिखाएगी। अपनी जिंदगी में कामयाब वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। कुछ लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ अपने फैसले से दुनिया ही बदल देते हैं। कभी समय मिले तो आजमा लेना कि जिंदगी में गलत इंसान ही सही सीख देकर जाता है। खुद को इतना कमजोर ना होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। कुछ सीखना ही चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। बुरे लोगों से सदा सावधान रहिए, वो कभी नहीं सुधर सकते। वे अगर समझाने से ही सुधर सकते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। घमंड की सबसे खास बात ये होती है कि वो आपको कभी एहसास भी नहीं होने देता कि वास्तव में आप गलत हो। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि अपने ऊपर गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बातें उनकी ही होती है जिनमें कोई बात होती है।
बुरा समय ही एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक किक यानी ठोकर की जरूरत तो पड़ती ही है। बनना ही है तो पैसों की तरह कीमती बनना, गिरने के बाद भी लोग आपको झुककर ही उठाएंगे। नफरत वो अहंकार से भरे व्यक्ति को बर्बाद होने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती, ये दो दुर्गुण ही काफी होते हैं। अगर आपको सभी गलत बताते हैं तो आप गलत नहीं हो, अगर आपको सभी गलत लगते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि सभी गलत कभी नहीं हो सकते। जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण होता है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी भी एक जंग हो जाती है। हुनर तो सभी में एक सा ही होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हो सकता है और नहीं हो सकता है के बीच का सिर्फ एक शब्द का अंतर है, और ये ही शब्द जीवन की दिशा निर्धारित करता है। कैसा दौर आया है, एक तरफ कुछ अमीर लोग कितना सोना खरीदे ये सोच रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग कहाँ सोना है ये सोच रहे हैं। टूटता हुआ तारा सबकी दुआ पूरी करता है, क्योंकि उसे टूटने का दर्द मालूम होता है। आंखें चाहे कितनी मर्जी तेज हो, वक्त का चश्मा ही बताता है कि अपना कौन है और कौन पराया। इंसान अपना चेहरा सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर ऊपर वाले की नजर होती है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी होती है, सैलाब उमड़ता ही है जीत जाने के बाद। बेहिसाब हसरते ना पालिए जनाब, जो मिला है बस उसे ही संभालिए। शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करें, फिर भी सुनने वाले अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसे सुनेंगे। ना कोई किसी का रकीब होता है, ना कोई किसी का हबीब होता है। खुदा की रहमत से बन जाते हैं रिश्ते जहां जिसका नसीब होता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन बस सुनते ही रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह दुख और सुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी में झूला अगर पीछे रह जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। सदा याद रखना, झुक के जो आपसे मिलता होगा यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। मत हंसिए किसी की कमजोरी, किसी की बीमारी, किसी की गरीबी व बेरोजगारी पर। कमियों पर हंसना ही है तो खुद की कमियों पर हंसिए, ना कि किसी की लाचारी पर।
सभी का ख्याल रखिए व अपना भी ख्याल रखिए। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।